बलिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि मुखबिर की सूचना पर उभाव पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लूट व डकैती की योजना बना रहे 3 सातिर लुटेरों को सिंचाई विभाग के वेयर हाउस के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 भागने में सफल हो गए। पकड़े गए लुटेरों के पास से 29,400 रुपये नकद, 3 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक बरामद किया। पकड़े गए लुटेरों ने पूछताछ में अपना नाम और पता मोहम्मद समाज पुत्र महताब अहमद निवासी बिठुआ थाना उभाव जिला बलिया, विशाल शाह पुत्र अमेरिका शाह निवासी हल्दीरामपुर मठिया थाना उभाव जिला बलिया तथा अरविंद यादव पुत्र स्वर्गीय गौरी शंकर यादव निवासी सरया गुलाब राय थाना नगरा जिला बलिया बताया। इस मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अनिल कुमार झा ने कहा कि पकड़े गए लुटेरों ने पूछताछ में बताया कि गत 3 अक्टूबर को भीटा भुवारी नहर के पास लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनका एक संगठित गिरोह है जो दोबारा डकैती की घटना को अंजाम देने वाले थे, जो समूह का पैसा एकत्र करने के वाले एक व्यक्ति से होनी थी, जिसे पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। सूचना मिली कि सिंचाई विभाग के वेयर हाउस के पास असलहों से लैस कुछ बदमाश इकट्ठा होकर किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस पर वहाँ पुलिस और स्वाट टीम सक्रिय हो गई तथा चारों ओर से वेयर हाउस के पास घेराबंदी कर 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इनके 3 साथी भाग निकले। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, थाना उभाव अंतर्गत किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई? सर, आज जनपद बलिया के थाना उभाव क्षेत्रांतर्गत चौकिया मोड़ पे जिले की स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना उभाव की टीम के द्वारा अपराधियों के संदर्भ में वार्ता की जा रही थी। इसी समय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना उभाव के ही सिंचाई विभाग के वेयर हाउस के पास कुछ अपराधी असलहे के साथ एकत्रित हुए हैं, जो किसी संगीन वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना पर तीनों टीम मौके पर पहुंची तथा घेराबंदी करके 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके नाम मोहम्मद शहबाज, विशाल और अरविंद यादव है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि आज ये एक संगीन घटना को अंजाम देने वाले हैं तथा थाना उभाव क्षेत्रांतर्गत ही 3 अक्टूबर को भीटा भुवारी मोड़ के पास लूट की घटना हुई थी, वो इनके द्वारा ही की गई है। इनकी तलाशी में 3 तमंचे, कुछ खोखा जिंदा और कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल TVS बरामद हुई है, लूट की रकम बरामद हुई है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से 3 अपराधी जो इनके सहयोगी थे वो भाग गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है।